प्यारे विद्यार्थियों तथा दोस्तों, इमोशंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक भावना होती है। जैसे जैसे हमारी भावना होती है, हमारे काम का वैसा ही फल होता है। इसलिए जीवन में हमेशा ही अच्छी भावना रखनी चाहिए, दूसरों के भले की भावना रखनी चाहिए। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति किसी गली से जा रहा था। मान लो कि वो व्यक्ति मैं हूँ, मैं किसी गली से जा रहा हूँ और मेरी जेब में 50,000 हैं। अचानक एक व्यक्ति की नज़र मेरी जेब पर पड़ जाती है तथा उसकी भावना है मेरे 50,000 को लूटने की। उसने मुझे रोक लिया, मैं भी रुक गया। चाकू उसने मेरे पेट में डाल दिया। मैं वहीं का वहीं राम नाम सत्य हो गया तथा उस व्यक्ति ने मेरी जेब से 50,000 रुपये निकाल लिए। अब उस समय मेरे दोस्त ने उसको देख लिया, मेरे दोस्त ने उसको देख लिया तथा उसको वहीं पकड़ लिया तथा पुलिस को दे दिया। पुलिस ने कोर्ट में उसको भेजा तथा कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी। एक डाकू जो लूटने की भावना से था, एक कातिल बन गया और उसे फांसी मिल गई। 50,000 लूटना प्लस मेरे कत्ल के संबंध में। अब मान लीजिए कि एक दूसरा व्यक्ति है, वो डॉक्टर है तथा एक पेशेंट उसके पास जाता है। वह कोई और पेशेंट नहीं, मैं खुद जाता हूँ। मान लो कि मुझे कैंसर है, डॉक्टर कहता है इसका मैं ऑपरेशन करूँगा, इसका ऑपरेशन करूँगा तथा कैंसर की बीमारी को ठीक कर दूँगा। मैं रेडी हो गया, डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए 50,000 रुपये लगेंगे। चलो जी, मैंने 50,000 रुपये डॉक्टर को दे दिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, चाकुओं से मेरे पेट को काटा, कैंसर की जो बीमारी है उसके इलाज के बीच में मान लो मेरी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर ने भी 50,000 लिए। पर भावना मेरा कत्ल करना नहीं था, भावना मुझे बचाना था। तो कोई भी डॉक्टर को पकड़ेगा नहीं, उसे फांसी पर नहीं लटकाएगा। यहाँ दो तरह के इमोशन हैं। किसी काम को करने के पीछे आपकी भावना क्या है, आपका इमोशन क्या है। यदि भावना कत्ल करने की है तथा कत्ल करते हैं तो सजा है, अगर भावना अच्छे काम की है तो सजा नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ही अच्छी भावना रखिए। धन कमाना है तो अच्छे तरीके से कमाइए, किसी का फायदा करकर अपना धन कमाइए, किसी को धोखा देकर, चीटिंग करकर, फ्रॉड करकर धन मत कमाइए। अपने जीवन की जो भावना है वह हमेशा ही उत्तम रखिए कि हमने अच्छा बनना है तथा औरों को अच्छा बनाना है। धन्यवाद।